मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ जगन्नाथ सर और मैं आप लोग का होस्ट सब्जेक्ट टीचर हूँ। तो मैं आज आप लोग को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ओके? आप लोग तैयार रहिएगा और ये स्टोरी सभी लोग सुनेंगे ध्यान से और मैं आप लोग को लास्ट में सवाल करूँगा, ओके? आशा करता हूँ आप सभी लोग जो है अच्छा लगेगा, ओके? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? सबसे पहले एक साइंस का टीचर होता है, ओके? साइंस का टीचर जो है विद्यार्थियों को, बच्चों को जो है ले जाते हैं। एक दिन कहता है कि मैं आप लोग को जीवन जीने की कला सिखाऊंगा, ओके? तो बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ आज से नया सीखने को मिलेगा, ओके? तो इस प्रकार जो है टीचर क्या करता है, बच्चों को लैब में ले चलता है। लैब में जहाँ पर तरह तरह की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ओके? तो वहाँ पे ले जाते हैं। इसके बाद जो है टीचर क्या करते हैं, एक बर्तन में पानी डाल देते हैं और पानी को स्टोव में चढ़ाते हैं। इसके बाद उसके पानी के ऊपर में जो है क्या करते हैं, एक मेंढक को डालते हैं, ओके? मेंढक को डालने पर बच्चे लोग देखते रहते हैं और स्टोव जो है जला देते हैं, ओके? स्टोव जल जाता है और पानी को उसमें पानी के ऊपर में एक मेंढक रहता है। तो क्या करते हैं टीचर, उस मेंढक को देखता है बच्चे लोग, है ना, कि वो तैरते रहता है, वो ना बाहर निकलने का प्रयास करता है ना फिर चटपटाहट करता है, वो आराम से तैरते रहता है, ओके? इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है गर्म होने लगता है। तो फिर मेंढक क्या करते हैं, अपने आप को जो है ढलने लगता है उस गर्म पानी, ओके? हल्का गर्म रहता है ना, तो उसमें ढलने लगता है। इसके बाद थोड़ा गर्म होता है। जब उसको परेशानी होती है ना, दर्द देता है, तो फिर क्या होता है, वो मेंढक जो है बाहर निकलने का प्रयास करता है ना, थोड़ा बहुत गर्म हो गया ना, गर्म होकर फिर प्रयास करता है, क्या करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन इसके बाद बहुत अधिक गर्म होने के बाद क्या होता है, जो मेंढक की जो जान है चली जाती है। मेंढक की जान चले जाने के बाद टीचर बच्चों से पूछता है कि मेंढक को किसने मारा। कोई बच्चे कहते हैं आग ने मारा, कोई बच्चे कहते हैं पानी ने मारा, कोई बच्चे कहते हैं आपने मारा, है ना, क्योंकि आपने इसको रखा। तो इस प्रकार से जो है बच्चे लोग तरह तरह के आंसर देते हैं। तो आप लोग से पूछूंगा कि मेंढक को किसने मारा, बता पाएंगे? नहीं, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, ओके? मेंढक जो है अपने आप ही मर गया। क्यों? क्योंकि जब पानी गर्म नहीं था, जब ठंडा था, जिस समय उसकी ताकत थी, उस टाइम वो निकल सकता था, है ना, वो निकल सकता था, उछल के निकल सकता था। जब वो पानी गर्म हो गया, जो उसकी उसमें ढल रहा था, और वो उसकी ताकत जो खत्म होने के बाद अगर निकलेंगे तो वे निकल पाएंगे? नहीं, वो कभी नहीं निकल, ओके? क्योंकि उसकी सारा एनर्जी ऊर्जा जो है खत्म हो गई उस गर्म पानी, ओके? तो अपने आप ही मेंढक मर गए। आप लोग को ये स्टोरी से, ये कहानी से आप लोग क्या शिक्षा बता पाएंगे? चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय के साथ बदलते रहना चाहिए, समय के इंतजार नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप को हमेशा जो है इस अवस्था से उभरने का प्रयास करना चाहिए। जो टीचर जो हमें टास्क देते हैं या फिर जो पढ़ाते हैं, उन्हें हमें सीखना चाहिए, हमें बार बार सीखने का मौका नहीं मिलती है, ओके? इससे हम लोग जो भी चैप्टर आती है उससे हम लोग आगे सीख पाए कुछ नया, है ना, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है अंत नहीं होती, ओके? हमें निरंतर जो पढ़ाई करते रहना, ठीक है? तो हमें जो है हमेशा अपने आप को
इस अवस्था से बदलने का प्रयास होना चाहिए।